क्या आप जानते कि ओलंपिक में एथलीट यानी खिलाड़ी मेडल जीतने के बाद फोटो खिंचवाते समय मेडल को दांत से क्यों काटते हैं? और आप बचपन से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों पर बायोपिक मूवी बनाई जाती है उन्हें कितना पैसा मिलता है? मतलब MS धोनी, भाग मिल्खा भाग, मेरी कोम, छपाक, दंगल जैसी फिल्में जिनके ऊपर बनी है उन्हें कितना पैसा मिला था? ब्राजील में स्थित इला दे क्विमाडा एक ऐसा द्वीप है जिसे सांपों का आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ हर 2 कदम की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाते हैं, और इसी वजह से ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि ब्राजील में सबसे ज्यादा जान कोई जानवर लेता है तो वो सांप है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि रिटायरमेंट के बाद घर जाने के लिए किसी शिक्षक ने बुक कराया हेलीकॉप्टर, लेकिन राजस्थान के अलवर जिले के निवासी रमेश चंद्र मणि ने स्कूल से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गांव जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया है। हेलीकॉप्टर से घर तक जाने में करीब 3,70,000 रुपए का खर्च आया है जो उन्होंने दे दिया, और यह सब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए किया। क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है? दरअसल सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित नहीं किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करना है। लेकिन हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने वर्ष 1928 से 1956 तक ओलंपिक में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, और ओलंपिक खेल के खिलाड़ी के रूप में ध्यानचंद का नाम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और शायद यही वजह है कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल जाता है। क्या आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी अपोलो 11 मिशन पूरा कर पृथ्वी पर आए थे तब उन्हें क्वारंटाइन रखा गया था? यह इसलिए क्योंकि वह चांद से आए थे, और चांद से अपने शरीर पर क्या लाए होंगे, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस लाए होंगे, इसी डर से वैज्ञानिकों ने उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटाइन रखा था। क्या आपको पता है कि स्टीफन हॉकिंग ने 28 जून 2009 को एक पार्टी रखी थी जिसमें कि भविष्य के टाइम ट्रेवल यानी भविष्य के समय यात्रियों को इनवाइट किया गया था। मतलब कि अगर भविष्य में कभी भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तब उस टाइम के समय यात्री अभी के पार्टी में आ जाओ। मस्त लॉजिक है ना। क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने सन 2000 में 7 मैथ के सवाल सॉल्व करने का चैलेंज दिया है। अगर कोई इन सवालों को सॉल्व कर दे तो उसे 7 करोड़ का इनाम मिलेगा। इन 7 सवालों में से अभी तक एक का ही सही जवाब ढूंढा जा सका है, और हैरानी की बात यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथ प्रोफेसर ने भी कोशिश की लेकिन इन सवालों को हल नहीं कर सके। वहीं बीते 21 साल से इन सवालों का कोई हल नहीं कर पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद इन सवाल के जवाब ही नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि इनके जवाब हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले लगभग सभी खिलाड़ी फोटो खिंचवाते समय मेडल को दांत से काटते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सभी खिलाड़ी मेडल को दांत से क्यों काटते हैं? दरअसल 1912 के पहले खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि सोना अन्य धातु की तुलना में थोड़ा नरम और लचीला होता है। इसे मुंह से दाबकर खिलाड़ी यह निर्धारित करते थे कि मेडल असली सोने का है भी या नहीं, लेकिन समय के साथ साथ आज यह एक परंपरा बन गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है? दरअसल सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित नहीं किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय खेलों को प्रोत्साहित करना है। लेकिन हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत ने वर्ष 1928 से 1956 तक ओलंपिक में लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं, और ओलंपिक खेल के खिलाड़ी के रूप में ध्यानचंद का नाम विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और शायद यही वजह है कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है।